हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का इंपोर्टेंट मॉडल सेट। जी हाँ, तो आज के इस क्लास में हम लोग मॉडल सेट 5 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल सेट 1, 2, 3, 4 को कम्प्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं और आप साइकोलॉजी के प्ले लिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिया है। जी हाँ, और मैंने जो आपको यहाँ पे 5वीं मॉडल सेट कवर कराया है आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ मॉडल सेट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। आपको यहीं से बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको देखना जरूरी है और आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है, आपको क्लास को स्किप नहीं करना है। जी हाँ, अगर आपको आंसर पता है तो आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है, और नहीं पता है तो आपको नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। और हम लोग क्लास यानी इस क्लास में 70 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपको 70 में 70 क्वेश्चन करेक्ट करने की कोशिश करनी है। जी हाँ, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और लाइव कमेंट में भी टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना। जी हाँ, क्योंकि आपको जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप वहाँ से पूछ सकते हैं, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर क्यों चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। जी हाँ, पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे, यानी बुद्धि के कार्य पर यानी शोध कार्य किया सबसे पहले। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, बी ने राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है। 2 में, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है, जी हाँ, उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पे 2 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं सामान्य बालक कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। जी हाँ, तो किसने प्रस्तुत किया है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं थर्स्टन राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है। जी हाँ, तो किसने एक कारक माना है, यहाँ पे 4 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं थर्स्टन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया। जी हाँ, कौन से मनोवैज्ञानिक थे, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं ब्रूनर। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए, कौन सा होगा, बुद्धि लब्धि बराबर होता है। जी हाँ, तो किसके बराबर होता है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं बौद्धिक आयु अपन में यथार्थ आयु इंटू 100 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में, पास एलोक परीक्षण कौन किया। जी हाँ, तो किसने पास एलोक परीक्षण किया है, तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं अलेक्जेंडर ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियाँ हैं। जी हाँ, तो कितनी श्रेणियाँ हैं, यहाँ पे 8 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 150। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए, कौन सा हो जाएगा, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, यह कथन किसका है। जी हाँ, ये किसका कथन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्टर्नबर्ग का है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, यहाँ पे 10 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, निम्नांकित में से किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है। जी हाँ, तो किसको कहा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, कथानक आत्मबोध परीक्षण किस तरह का व्यक्तित्व परीक्षण है। जी हाँ, तो किस तरह का व्यक्तित्व परीक्षण है, वेरी गुड, सबने आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर ए बताया, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं परीक्षेपी परीक्षण राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होती है, आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं व्यक्तित्व कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए, रोषांक परीक्षण है। जी हाँ, तो किस प्रकार का परीक्षण है रोषांक, यहाँ पे 14 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं परीक्षेपी परीक्षण है। चलिए, हम एक क्वेश्चन देखेंगे 15 क्या बोला जाएगा। क्वेश्चन 15 में, कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है। जी हाँ, तो इसके निर्माता कौन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मुर्रे एवं मॉर्गन राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में, ड्रॉ ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। जी हाँ, तो किसने किया था निर्माण, तो 16 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, सामूहिक और चेतन के संपर्तीय का प्रतिपादन किसने किया। जी हाँ, तो किसने किया है, तो 17 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं युंग ने किया है। चलिए, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, 18 में, शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा शक्ति यानी व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है शेल्डन का, तो 18 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कृषिकाय। अब देख लीजिए हमें क्वेश्चन नंबर 19 क्या है,
आत्मा को किस रूप में समझा जा सकता है? जी हाँ, तो कौन से रूप में समझा जा सकता है? जो अभी 19 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं आत्मगत और वस्तुगत। अब 20 को देख लीजिए, क्या है 20 में? एक प्रेक्षक की रिपोर्ट में जो परदत्त होते हैं वे कैसे प्राप्त होते हैं? जी हाँ, तो कैसे प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 21 में मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है, जी हाँ, तो कौन इसके प्रतिपादक है? यहाँ पे 21 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इब्राहिम मैस्लो राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 22 देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा कारक नहीं है? तो 22 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, जी है नहीं, विषय वस्तु। अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जाए? 23 में टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो कौन सी विशेषता पाई जाती है? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जाए? 24 में व्यक्ति का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? जी हाँ, तो कौन प्रतिपादक है इसका? तो 24 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कैटेल। अब यहाँ पे 25 देख लेंगे क्या है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण उत्पन्न करने में तीन अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है? जी हाँ, तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी चेतावनी, प्रतिरोध एवं परिश्रांति। जी हाँ, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस मॉडल सेट में जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एजेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको स्किप नहीं करना है, आपको क्लास क्लास तक बने रहना है। इससे पहले मैंने जो भी मॉडल सेट कंप्लीट करा दी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, और टेलीग्राम के लिंक को भी क्लिक करके आपको जुड़ जाना है। अभी क्लास क्लास तक आपको बने रहना है, क्योंकि हम लोग 70 क्वेश्चन कवर करेंगे, और आपको क्लास के साथ साथ आंसर बताते चलना है। और क्लास को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके, और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। तो फिलहाल अभी ये क्वेश्चन में 26 को देखेंगे, और 26 का आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बाह्य आभेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है, जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 26 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, अनुकूलन कहा जाता है। अब यहाँ पे 27 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? जी हाँ, तो कौन सी यानी आक्रामकता है यहाँ पे? तो 27 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं साधनात्मक आक्रामकता में। अब 28 देख लीजिए, किन हार्मोनों की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है? जी हाँ, तो कौन से हार्मोन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं एड्रेनलिन तथा कोर्टिसोल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 29, जी हाँ, क्या है 29 में? तो आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नहीं कमेंट बॉक्स में बताइए, समय प्रबंध किस श्रेणी का कौशल है? जी हाँ, तो कौन सी श्रेणी का कौशल है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं वैयक्तिक कौशल है। अब 30 में क्या बोला जा रहा है, दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया? जी हाँ, किसके द्वारा किया गया है? तो 30 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, मिचेन बोम के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है, संज्ञानात्मक और संवादिता से तात्पर्य है? जी हाँ, तो क्या तात्पर्य है इससे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं दो मानसिक दशाओं का असंगत होना। देख लेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है, 32 में मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता विकसित किया? जी हाँ, तो किसने विकसित किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, लियोन फिस्टिंगर ने किया है। अब यहाँ पे 33 को देखिए क्या बोला जा रहा है, विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षेप या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है? जी हाँ, तो क्या कहलाती है? यहाँ पे 33 में ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी द्वंद्व कहलाती है। अब 34 को देखेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन 34 में एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ, इसका दूसरा नाम क्या है? तो 34 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं विषादी मनोविकृति। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नांकित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 35 में? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मनस्चिकित्सा राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जाए, 36 में इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? यहाँ पे कौन सा मादक द्रव्य नहीं है? तो 36 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं कॉफ़ी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जाए, 37 में
सभी एल्कोहल पेय पदार्थों में होता है। जी हाँ, तो क्या मौजूद होता है इसमें, तो 37 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं एथाइल एल्कोहल होता है। अब यहाँ पे 38 देख लीजिए क्या है, व्यक्ति की शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा है। जी हाँ, तो कौन से मनोवैज्ञानिक है जिसने बांटा था 3 भागों में, तो यहाँ पे 38 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं शेल्डन। अब यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, हेरोइन एक प्रकार का जी हाँ क्या है, तो यहाँ पे 39 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। जी हाँ, नहीं ऑपियोइड है। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 40 में, मनोविदलता के उप प्रकारों में से कौन सा एक नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे एक नहीं है उप प्रकार में से, तो 40 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, नहीं अवधान न्यूनता अतिक्रिया प्रकार। चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, DSM-4 के अनुसार निम्नांकित में से किसे दुश्चिंता विकृति की श्रेणी में नहीं रखा गया है। जी हाँ, तो कौन है यहाँ पे, तो 41 में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं रूपांतर विकृति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन 42 क्या बोला जा रहा है, असामान्य व्यवहार या असामान्य व्यक्ति का अध्ययन ही असामान्य मनोविज्ञान है, ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, 42 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं आइज नेक राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अभी क्वेश्चन 43 क्या बोला जा रहा है, बंदूरा ने कहा बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं। जी हाँ, तो कैसे सीखते हैं, यानी किसने कहा था, बंदूरा ने कहा था, तो 43 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रेक्षणात्मक अनुकूलन से सीखते हैं। अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन परामर्श की प्रविधियाँ नहीं है, तो कौन सी प्रविधियाँ नहीं है परामर्श की, 44 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रोत्साहन परामर्श। अब 45 क्या देखिए, मनोवृत्ति का निर्माण निम्नांकित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो कौन से कारक हैं, 45 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं श्रोता की विशेषताएं। अब 46 का राइट आंसर बताइए, किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग होता है। जी हाँ, तो कौन सी चिकित्सा विधि है, 46 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी व्यवहार चिकित्सा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, 47 में श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं दर्शक प्रभाव कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 48 क्या है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, तो कब मनाया जाता है, 48 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड ए करेक्ट हो जाएगा, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 49, दुर्भीति या फोबिया क्या है, तो फोबिया क्या है, वेरी गुड, तो यहाँ पे 49 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी असंगत भय। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 50 क्या बोला जा रहा है, 50 में किस मनोविकृति में विद्युत पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी यानी मनोविकृति है, तो 50 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी विषाद पर। अब यहाँ पे 51 देख लेंगे क्या है, मनोशल्य चिकित्सा पद्धति को किसने विकसित किया। जी हाँ, किसने विकसित किया है इसको, तो 51 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं इगास मोनिज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन 52 क्या है, किसने मनोवृत्ति को इस प्रकार परिभाषित किया कि विशिष्ट वस्तुओं के प्रति विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने की प्रवृत्ति या झुकाव को मनोवृत्ति कहते हैं। जी हाँ, तो किसने यानी इसको परिभाषित किया है, तो 52 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं गर्गेन। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 जी हाँ, क्या बोला जाए क्वेश्चन 53 में, निम्न में से कौन मनोवृत्तियों का परिवर्तन से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 53 में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रतिष्ठा सुझाव। आप 54 का राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा, पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ, तो कितनी होती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 4। आप 55 में राइट आंसर बताइए, किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संपर्तीय दिया है। जी हाँ, तो किसने दिया है, 55 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं फ्राइड ने दिया है। जी हाँ, क्लास क्लास तक अभी बने रहना क्योंकि 70 क्वेश्चन कवर करेंगे, और क्लास को आपको लाइक कर देना अगर क्लास अच्छी लग रही है, और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अच्छे से कर सके। जी हाँ, और टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके आपको जुड़ जाना है, लाइव कमेंट में पिन कर दिया गया और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन 56 क्या बोला जा रहा है, 56 में मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया। जी हाँ, किसने बल दिया, तो 56 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सुलेमान ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, 57 में फ्रिट्ज हाइडर का संतुलन सिद्धांत POX मॉडल में वो परिवृत्त यानी प्रतिनिधित्व करता है, तो किसको करता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ना जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 58 क्या बोला जा रहा है, 58 में
औपचारिक समूह का उदाहरण है। जी हाँ, कौन औपचारिक समूह का उदाहरण है? तो यहाँ पे 58 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं लोक उपक्रम। अब यहाँ पे 59 को देखेंगे क्या है, निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है, तो कौन सा यहाँ पे तत्व नहीं है, तो 59 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं समूह सोच। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देख लेंगे कौन सा, यानी 60 क्या है, 60 में यदि एक मुसलमान अपने हिंदू मित्र का अभिवादन दोनों हाथों को जोड़कर करता है तो वह ऐसा किस समूह के प्रभाव के अंतर्गत करता है, तो कौन सा समूह है यहाँ पे, तो 60 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं द्वितीयक समूह। अब 61 में देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नांकित में से कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है, तो कौन से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 61 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अनुपालन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 देख लेंगे क्या है, 62 में सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है, जी हाँ तो किस प्रकार में होती है, तो 62 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं अंतः समूह में। अब यहाँ पे 63 क्या बोला जा रहा है, अनुरूपता सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है, जी हाँ तो कौन सा रूप है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अप्रत्यक्ष रूप है। अब यहाँ पे 64 क्या बोला जा रहा है, चाटुकारिता पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध परविधियां है, जी हाँ किसकी परविधियां है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अनुपालन की परविधियां है। अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला जा रहा है, 65 में शुद्ध वायु कहलाती है, जी हाँ तो कौन सी शुद्ध वायु कहलाती है, तो 65 में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ यानी क्या है यहाँ पे 78.98% यानी नाइट्रोजन, उसके बाद 20.94% ऑक्सीजन तथा 0.03% यानी प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है, उत्तराखंड क्षेत्र के चिपको आंदोलन मानव पर्यावरण संबंध में किस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है, जी हाँ तो 66 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है, 67 में परामर्श के संबंध होता है, जी हाँ तो यहाँ पे 67 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ सहायता परक। आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला जाए, 68 में मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि का प्रवर्तक कौन है, जी हाँ तो कौन इसके प्रवर्तक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऊंट राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 69 क्या बोला जा रहा है, निम्नांकित में से कौन प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं है, तो कौन सा एक गुण नहीं है, तो 69 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सशर्त सम्मान। अब यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे आज की इस मॉडल सेट का क्या बोला जा रहा है, श्रवण प्रक्रिया का एक प्रारंभिक चरण है, जी हाँ तो कौन सा यहाँ पे एक प्रारंभिक चरण है, तो 70 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उद्दीपक या संदेश का अभिग्रहण करना राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज का मॉडल सेट यानी 5 है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको गलत अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आपको सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, जी हाँ क्योंकि हम लोग इस चैनल में बिहार बोर्ड से जुड़ी यानी जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है सभी क्लासेस को करते हैं, आपके सारे सब्जेक्ट का करते हैं, तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। और अभी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो भी डाउट हो जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन है और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया है, आप वहाँ से भी जुड़ के पूछ सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय टाटा सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।